और 84 ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी। गोंडा यार्ड की इंटरलॉकिंग निरस्त हुई है, यार्ड की रिमॉडलिंग की वजह से निरस्त हुए 84 ट्रेन। 16 गाड़ियों का बदला गया रूट, 23 दिनों तक मुसाफिरों को सफर करने में परेशानियां ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यार्ड की रिमॉडलिंग के लिए 16 गाड़ियों का रूट बदला गया है, तो ये बड़ी परेशानी ट्रेन यात्रियों को। 84 ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गोंडा यार्ड की इंटरलॉकिंग निरस्त हुई है, यार्ड की रिमॉडलिंग की वजह से निरस्त हुई है 84 ट्रेनें और 16 गाड़ियों का रूट भी बदला गया है। इससे 23 दिनों तक मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो यह बड़ी खबर है। 84 ट्रेनें निरस्त होने से यात्रियों को परेशानियां ही परेशानियों का सामना अब करना पड़ेगा। उत्तर रेलवे का काफी बड़ा यार्ड है और 4 अलग अलग जगह के लिए लाइनें वहां से जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि गोरखपुर से जो मेन लाइन जाती है वो गोंडा होते हुए लखनऊ जाती है, उसके अलावा गोंडा से जो लूप लाइन गोरखपुर से होकर जाती है वो भी गोंडा वाया गोंडा जाती है, गोंडा से बहराइच भी एक लाइन जाती है। तो इन सभी लाइनों का प्रॉपर कनेक्शन सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ हो और ऑपरेशन ट्रेनों का परिचालन सुगम हो सके, यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए गोंडा के NI की प्लानिंग लगातार पिछले 1.5 से 2 सालों से चल रही थी, जिसमें कई कार्य करने होते हैं NI के दौरान, वो सभी कार्य पूरे किए गए। बहुत परेशानी है और मेरे हिसाब से कि मतलब रेलवे को चाहिए कि सबको पर्टिकुलर मैसेज के साथ कॉल भी कर दे ताकि उन्हें सुविधा रहे, कि उन्हें पता चले कि क्या दिक्कतें हैं। और स्टूडेंट्स को तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अभी इसी मंथ में लास्ट से समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं, तो उन्हें घर जाना है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, परेशानी होगी लेकिन तत्काल टिकट भी उन्हें नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या लग रहा है रेलवे उस हिसाब से यात्रियों तक वो सूचना पहुंचा पाएगा? तो हाँ, पहुंचाना चाहिए और अगर नहीं हो पाए तो स्पेशल ट्रेन निकालना चाहिए कि जिससे ताकि उन्हें असुविधा ना हो। नहीं, ये तो बहुत बड़े परेशानी का विषय है क्योंकि ये जो टाइम है ये पीक टाइम होता है, बेसिकली छुट्टी में लोग जो है वेकेशंस के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, और अगर इस समय अगर जो है रेलवे इस तरीके का काम कर रहा है तो उसको ऐसा काम इस समय नहीं करना चाहिए क्योंकि यात्रियों को बहुत समस्याएं होंगी। और कोरोना के बाद लगभग 2 साल के बाद जो है ये गर्मी की छुट्टियां लोगों को मिली हैं और वो सब जगह अलग अलग जगह जो है वो ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, तो गोरखपुर और ये जो पूरा रूट यहाँ से गोंडा से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बहुत से यात्री हैं जो इस समय जो है अलग अलग स्थानों पर, पहाड़ों पर और बाकी स्थलों पर जो है ठंडे स्थलों पर जाएंगे यात्रा करने के लिए, तो बहुत समस्या। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये 84 ट्रेनें निरस्त हुई हैं, बड़ा आंकड़ा है और बड़ी परेशानियों का सामना 23 दिन तक लोगों को करना पड़ेगा, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 23 दिनों तक 84 ट्रेनें निरस्त की गई हैं, 16 जो गाड़ियां हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया, यानी वो डाइवर्जन रूट से चलेंगी, तो कहीं ना कहीं परेशानी लोगों की बड़ी है। 17 मई से लेकर के 8 जून तक ये ट्रेनें पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगी, क्योंकि गोंडा में जो यार्ड मॉडलिंग का रिमॉडलिंग का काम चल रहा है और उसके बाद जो है प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसको लेकर के 23 दिन तक जो है ये ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिसमें गोरखपुर से जाने वाली देश के सभी कोने में जाने वाली तकरीबन 23 ट्रेनों को जो है निरस्त किया गया है, इसमें तमाम मुख्य ट्रेनें भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जरूर बढ़ेगी। और निश्चित रूप से इस समय जो लगन और जो है समर वेकेशन का समय चल रहा है, लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिलहाल रेलवे लगातार उनके मुश्किलों को दूर करने की भी कोशिश कर रहा है और उन तक ये सूचना पहुंचाने की भी कवायद कर रहा है। जी बिल्कुल, तो 84 ट्रेनें निरस्त की जा रही हैं, लेकिन सूचना जरूर दी जा रही है सुशील, लेकिन परेशानी बड़ी है क्योंकि यार्ड लॉकिंग की वजह से ये ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं, 16 गाड़ियों का रूट भी बदला गया है, तो इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में छुट्टियों को बिताने के लिए लोग अपने रिलेशन में जाते हैं, यार्ड की रिमॉडलिंग की वजह से जो ट्रेनें रद्द हुई हैं इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि परेशानी तो होगी जब ट्रेनें निरस्त होगी, चूंकि